आज हम बनाएंगे बड़ी की सब्जी। मूंग की दाल की बड़ी है जो हमने घर पे ही पहले बनाई हुई थी, घर पे ही अपना बना के ये बड़ी तैयार की है। इसका हम वीडियो पहले ऑलरेडी डाल चुके हैं किस तरह हम बड़ी बनाते हैं, वो ऑलरेडी वीडियो मेरा पड़ा हुआ है और उसी बड़ी की आज हम सब्जी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या किया, तेल डाल चुके हैं और ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम बड़ी को हल्का सा फ्राई करेंगे, बड़ी को हल्का फ्राई कर लेंगे। अब बड़े को जो है हम थोड़ा सा लाल ब्राउन ब्राउन करके फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा ब्राउन ब्राउन होने लगा है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे। अब ये देखिए हमारी बड़ी जो है हल्की ब्राउन हो गई है, तो थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे हल्का सा। अभी देखिए हमारी जो बड़ी है अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चुके हैं, डालते हैं इसमें जीरा, प्याज का कटा हुआ प्याज, और इसको ब्राउन होने देते हैं। प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट पहले से तैयार किया हुआ है, इसको डालते हैं। हिंग डालते हैं, ये हिंग प्योर हिंग है, इसलिए इसको पहले क्या हुआ मैं पानी में घोल दिया है। प्योर हिंग है इसलिए इसको हल्का सा पानी में घोल दिया है, और हिंग को डालते हैं। ये जो हिंग है नेपाल से मंगाई थी, प्योर हिंग है। अब हम इसमें ऐड करते हैं मसाले। सबसे पहले हल्दी, लाल मिर्च और 2 चम्मच धनिया पाउडर, बस। अब हम डालते हैं हल्का सा गरम मसाला। अब हम अच्छे से मसालों को पका लेते हैं इस पेस्ट के साथ में। नमक डाल देते हैं अपने स्वादानुसार, नमक आप चाहें तो हल्का सा नींबू भी डाल सकते हैं इसमें। अभी हमारा मसाला करीब करीब पक चुका है, थोड़ा सा और बाकी है, इसको पका लेते हैं अच्छे से। कसूरी मेथी इसको लगा लेते हैं अच्छे से, कसूरी मेथी डाल दिए, लगा देते हैं। बढ़िया होगा नहीं, बढ़िया घर में जो है धनिया नहीं था, मेरी बीवी जो है चटनी बना के खा गई है, तो इसलिए जो है कसूरी मेथी थोड़ी ज़्यादा डाल देते हैं। अब मसाला हमारा पक के तैयार हो गया, देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, जैसे कभी कभी मेरी बीवी का चेहरा ही ब्राउन हो जाता है रखते रहते, वैसे ये मसाला। इसमें हम डाल देते हैं आलू, आलू के साथ इसको थोड़ा सा घुमाते हैं और 2 मिनट के लिए आलू पकने देते हैं इसके बाद। और इसमें हम पानी डाल देते हैं, अब इसमें हम 2 कटोरी ऑलरेडी डाल चुके हैं, 3 कटोरी पानी डाल देते हैं। अब 3 कटोरी पानी इसलिए डाला है क्योंकि जब हम बड़ी डालेंगे ये पानी को सोखेगी। अब
इतना पानी डाल दिया है इतने आलू के साथ में। अभी मेरा आलू जब आधा पक जाएगा उस समय हम इसमें जो है बड़ी कट कर देंगे, उसके बाद तैयार होगा। आलू पकने के लिए 5 मिनट छोड़ देते हैं। हमारा आलू जो है आधा पक चुका है, हम इसमें आलू के साथ में बड़ी जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखी थी डाल देते हैं। अभी हम 5 मिनट तक रखेंगे मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद ये हमारी पककर तैयार हो जाएगी बेहतरीन। अब ये हमारी बड़े की सब्जी जो है, अब मैं सब कुछ तैयार है हो चुका है, एक बार आलू चेक कर लेते हैं। यदि आलू हमारा पक गया है तो समझ लीजिए हमारी बड़ी पक के तैयार हो गई। हाँ अभी हमारी देखिए बड़ी पक के तैयार हो चुकी है, बेहतरीन कलर आया है। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर, ये सब घर के मसाले थे, कोई भी बाहर का मसाला हमने इसमें यूज़ नहीं किया, सारे मसाले हमने घर के बनाए हुए यूज़ किए हैं। ये हमारी बड़ी पककर तैयार हो चुकी है, अब गैस को बंद कर देते हैं। हाँ अब हम इसको 5 मिनट बाद जो है रोटी बनने के तैयार हो जाने के बाद हम इसको खाने के लिए बैठेंगे। देखिए हमारी बड़ी की बेहतरीन सब्जी।